हमारे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर मुझे सोरासिस और वो फेस पे है या नहीं भी है तो मैं अपने फेस की आई वुड से कि केयर कैसे करूँ सोरासिस होते हुए या सोरासिस ठीक होने के बाद भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार सोरासिस हो जाता है तो हमें डर लगता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट्स ना लगाएं या कैसे अपने फेस को हम ठीक रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके सवाल का जवाब देने आई हूँ। सो सबसे पहले जो भी आप फेस पे अगर आपके सोरासिस है या नहीं है, अगर आप सोरासिस के पेशेंट रह चुके हैं, ठीक हो गया है, तो ऐसे में आपको फेस पे ज़्यादा केमिकल्स नहीं लगाने हैं, बहुत तरह तरह के फेस वॉशेस, बहुत तरह तरह के पैक्स यूज़ नहीं करने हैं। किसी और को सूट कर रहा है उसका सुन के आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना कि हाँ जी मेरा इससे रंग साफ़ हुआ है या मेरे इससे पैचेस के दाग चले गए हैं तो आप भी ये प्रोडक्ट करो यूज़, ऐसी बातों में नहीं आना है। आप कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और कुछ भी उनके प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे यूज़ करें। नाउ जो बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस हैं, बीबी क्रीम्स हैं, ऐसी जो क्रीम्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है। फेस वैक्स अवॉइड करनी है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। और अगर लड़के बाहर जाके शेविंग वगैरह बनवाते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो यूज्ड रेजर ना हो या यूज्ड ट्रिमर ना हो। ब्लेड शुड बी फ्रेश, अगर ब्लेड फ्रेश रहेगी तो ही वो आप अपने फेस पे अप्लाई कराएं या शेविंग कराएं, क्योंकि यूज्ड अगर वो कोई यूज़ कर रहा होगा तो और कोई इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस आपको सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोन है किसी भी इन्फेक्शन के, आपकी इम्यूनिटी ढंग से काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा जैसे ब्लशेज़ हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, तरह तरह के मास्क आते हैं, इनसे बचना है। आप होम इंग्रेडिएंट्स लेके या जैसे हल्दी है उसको यूज़ कर लें, उसका पैक बना लें, एलोवेरा यूज़ कर लें, नीम यूज़ कर लें, तो आप नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स से तो अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं या कभी कभी मास्क लगा के उसकी टैनिंग हटा सकते हैं या हाइड्रेशन ले सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में ऐसे तरह तरह के एसिड मिलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब आपको अवॉइड करना है। किसी तरह का लेज़र ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है, पील्स आपको अवॉइड करनी है, और जो फेस वॉश करना है वो बहुत ही माइल्ड फेस वॉश से आपको वॉश करना है। उसके बाद आप नॉर्मल सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सनस्क्रीन के बाद आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाइए और बार बार अपने फेस को धोते रहिए। उस पर आप ऑयल को इकट्ठा मत होने दीजिए। धूप में जा रहे हैं या डर्ट पोल्यूशन में जा रहे हैं तो आप कवर करके जाएं, मेक श्योर योर फेस शुड बी कवर, ताकि कोई भी डस्ट या पोल्यूशन या सनलाइट से एग्रावेशन ना हो या सोरासिस ना आए। रात को ज़रूर फेस वॉश करके सोइए, और सोने से पहले बहुत मैंडेटरी है फेस को वॉश करना। और आप नेचुरल प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला, नीम लगा के फेस पैक बना के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर हल्दी या बेसन यूज़ कर सकते हैं, कर्ड यूज़ कर सकते हैं, दही फेस पे लगा के छोड़ सकते हैं, उससे बहुत सूदिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, ठंडा लगेगा, स्किन का ड्राइनेस जाएगा। ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल में मिला के आप ग्लिसरीन लगा के सो जाइए, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल खोल के डाल सकते हैं और उसको आप फेस पे अप्लाई करके भी सो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने फेस की केयर कर सकते हैं अगर आपको सोरासिस है। साथ ही साथ अपने खाने पीने में आप मेक श्योर करें कि अच्छी डाइट लें, होम कुक्ड फूड लें, जंक ना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल इंटेक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उससे भी आपके फेस पर डलनेस दिखने लग जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। नींद प्रॉपर लें, इंस्टाग्राम कम स्क्रोल करें, ये हो नहीं सकता, बट कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे तो मिनिमम आप सोएं, रेस्ट करें और फिज़िकल इमोशनल स्ट्रेस ना आने दें। तो जब ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट्स या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोरासिस होने के बावजूद भी या सोरासिस ठीक होने के बावजूद भी आपका फेस चमकता रहेगा और आपकी स्किन यंग फील करती रहेगी। और भी कोई चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मुझसे आके मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और एक सही सोल्यूशन पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ब्यूटिफुल।